प्रेसिडेंट नेशनल यूथ पार्टी से। ये तो अफसोस की बात है कि कल जो कश्मीर वैली में जैसे कि पांजला, सोपर वगैरह, अनंतनाग, शुपियाँ में ज़बरदस्त सालाबारी हुई है, जिसमें मेवे सब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, धान के खेत ख़त्म हो गए हैं। तो गवर्नमेंट तो बोलती है कागज़ों में कि इनको हम कंपनसेशन दे देंगे, लेकिन कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। इसके साथ में कल म्यूनसिपलिटी जो सोपर किया, उसने सब्ज़ी मंडी सोपर में जो गरीब लोग सब्जियां बेचते हैं उनकी सब्जियों को उनको फेंका है, तोड़ फोड़ किया है दुकानों का। इसलिए हम रियासती इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया से मांग करते हैं कि एक तो जिन लोगों का फसल को नुकसान हुआ है साला बारिश से, एक तो उनको कंपनसेशन दिया जाए, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोपर के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने विदाउट कोई भी नोटिस देने के बगैर कैसे गरीब लोगों की सब्जियां फेंकी हैं, उन सब्जियों का मुआवजा उनको दिया जाए। नेशनल यूथ पार्टी एक कामन यूथ की पार्टी है। यहाँ पर जो हमारा नौजवान तबका है जम्मू कश्मीर का, कई तरह की जो गैर कानून कामों में, मतलब कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने डाला गया है। अभी देखो कि यहाँ पे ड्रग एडिक्शन दिन ब दिन अरूज पे है। यहाँ पे ड्रग एडिक्शन कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है इनको, तो उस चीज़ पे कोई सोचता नहीं है, खाली लोगों के ख़िलाफ़ केस बना के जेलों में डालते हैं। तो सबसे पहले नेशनल यूथ पार्टी एक कामन यूथ की पार्टी है, क्योंकि यूथ जो है मुल्क का, वो हम पॉलिसी मेकर बनाना चाहते हैं। पॉलिसियाँ असम्बली में बनती हैं, पार्लियामेंट में बनती हैं। नेशनल यूथ पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। दूसरी पार्टियों ने क्या किया, पीडीपी ने क्या किया, एनसी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, उनकी तरफ हम नहीं जा रहे। नेशनल यूथ पार्टी है, ये एक एक्शन प्लान के साथ जम्मू कश्मीर में उतरी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आप लोग खुद देख लोगे कि सरकार नेशनल यूथ पार्टी के बगैर यहाँ पे कोई पार्टी नहीं बना सकेगी।